एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बेटियों के पैदा होते ही उसे मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। जी हाँ, यूपी के जौनपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर किसी का दिल बैठ गया। दरअसल एक नवजात बच्ची को उसके परिजन नहर के किनारे पर छोड़कर फरार हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना। उस बच्ची को नहर के किनारे देखकर एक शख्स ने उसको उठा लिया और अपने घर ले आया। आइए आपको दिखाते हैं कि शख्स के पड़ोसी का क्या कहना है। मैं तो पड़ोसी गांव से हूं, लेकिन हमारे जस्ट सुभाष भाई जो है ये बच्ची पाए हैं नहर के किनारे। नहर के किनारे कोई फेंक दिया था, वो जो है उठा के लाए हैं और अच्छे से पालन पोषण भी कर रहे हैं। और इनकी इच्छा है कि मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उस पहल पे इन्होंने काम किया है। और हम लोग भी एक युवा वर्ग के हैं और समाज के लिए अच्छा काम करेंगे और भविष्य में हम सारे लोग इनकी मिलके मदद करेंगे कि लड़की को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो पढ़ाई लिखाई के लिए, और शादी में भी इसकी हर संभव हम लोग युवा वर्ग के हैं मदद करेंगे पूर्ण रूप से। जैसे कि इनके परिवार काफी गरीब है, इस तरह से एक अनोखा पहल। जी जी हाँ, ये परिवार इनका बिल्कुल गरीब है, लेकिन फिर भी हम लोग सरकार, हमारी सरकार भी जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस पे बेटियों के लिए बहुत अच्छी स्कीम चलाए हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इससे कोई इनको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो और सब मीडिया बंधु और सारे लोग हैं, इनकी मदद पूर्ण रूप से की जाएगी। क्या जो बच्ची के कुछ जख्म भी थे जो उस तरह से पाए? जी हाँ, इसकी बच्ची के पैर में थोड़े से कीड़े वगैरह जैसे चींटी वगैरह भी काट ली थी और थोड़ा सा जख्म भी हो गया था, लेकिन फिलहाल डॉक्टर के पास जाने पे पूर्ण रूप से वे स्वस्थ है और बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल स्वस्थ है। लड़की क्या नाम रखा गया है? लड़की का नाम है, ये परिवार के पूरे लोग बहुत ही बेहद खुश है पाके और इसीलिए इसका नाम खुशी रखे है, पूरे परिवार के लोग बिल्कुल खुश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमाकांत यादव है और मैं भी इनकी पहल से काफी खुश हूँ और मैं एक समाज सेवी और समाज में एक अच्छा काम करता हूँ कि कोई किसी को दुख ना हो, कोई किसी भी गरीब को कोई मतलब अगर SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।